हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मैगनेट प्रिंस दिस इज स्वाति योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हम हैं मैग्नेट प्रिंस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको पूरी स्कूल एजुकेशन मिलती है फॉर फ्री मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए वन और टू चैप्टर्स के बाद पेमेंट नहीं करना पड़ता एंड सो फॉर द सेम थिंग गोस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या स्पोकन इंग्लिश कोर्स येस एग्जैक्टली दिस कोर्स इज एंटायरली फ्री फॉर यू आपको किसी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अब इस गुडी गुड नोट पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनादर से ऑफ क्विक बाइट्स जहाँ पर हम क्विकली क्विकली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू लर्न कॉमन पीपल ईडियम्स कॉमन पीपल ईडियम्स मतलब लोगों से रिलेटेड कुछ इडियम्स होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं हम वो सीखने वाले हैं ठीक है जैसे अगर आप किसी को डेयर डेविल कह रहे हो डेयर डेविल कह रहे हो तो डेयर डेविल का मतलब क्या होता है ऐसा कोई इंसान जो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता है जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता जैसे कि समन रिस्क जरूरत नहीं है फिर भी मतलब कूदना है बिना मतलब के कूदेगा डेयर डेविल बनेगा उसको बोलते हैं डेयर डेविल आपके ग्रुप में ऐसा कोई डेयर डेविल है तो आप उसको टैग कर सकते हो दैट यू आर द डेयर डेविल ओके नाउ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डोंट ट्राई एनी ऑफ दोज डेयर डेविल स्टंट्स जैसे कुछ लोग होते हैं बाइक पे फुल स्टंट्स मारते हैं 360 डिग्री उसको ऐसे 90 डिग्री खड़ा करेंगे एंड ऑल तो मम्मा ने क्या बोला डोंट ट्राई एनी ऑफ दोज डेयर डेविल स्टंट्स ये आपके फ्रेंड्स ने बोला भाई वहाँ से मत जा वो रोड अभी बहुत ख़राब है डेयर डेविल बनने की ज़रूरत नहीं है बारिश में हमारे यहाँ जो रोड्स होती हैं वो वैसे भी एकदम ऐसा लगता है कि आप एक जाबाज खिलाड़ी हो और आपको उस रोड पे से अपनी जान को बचाते हुए इस्पेशली अपनी पैंट्स को गंदा होते हुए बचाने के लिए ठीक है आपको वहां से जाना होता है तो उसको क्या कहते हैं कि बॉस अ डेयर डेविल स्टंट ठीक है और अ डेयर डेविल मीन टू बी स्टूपिड जैसे किसी ने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे जंप करूंगा मैं यहां से जाऊंगा तो आपने क्या बोला डेयर डेविल होना अच्छा है लेकिन स्टूपिड होने की जरूरत नहीं है सो दिस इज हाउ यू टॉक डेयर डेविल का मतलब समझ आ गया चलिए अब क्या है चीप स्किट हु चीप स्किट चीप स्किट समवन वन हेट्स टू स्पेंड मनी जिसको पैसे खर्च करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने क्या किया आप कुछ खाना ऑर्डर करने गए ठीक है सब लोग हैं सब के लिए ऑर्डर हुआ आप लोगों ने लास्ट में पूरा जो बिल था वो डिवाइड कर लिया तो एक ने क्या बोला नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ आधी रोटी खाई थी और मैंने सिर्फ दो ही चम्मच डाल ली थी दही तो मैंने यूज़ ही नहीं किया और सब्जी तो मुझे पसंद ही नहीं थी ठीक है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं तब सब बाकी लोग ऐसे देखते हैं कि सच ए चीप्स किट वट विल यू कॉल हेम

जॉइंट ऐट द हिप मतलब दोनों जो है वो कूल्हों से अटैच है वॉट इज जॉइंट ऐट द हिप इसका मतलब टू बी एक्सेप्शनली क्लोज टू समन अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से यू आर ज्वाइंट ऐट द हिप मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो आपकी हर बात एक दूसरे से आप लोग शेयर करते हो एंड यू आर लाइक यू आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू ईच अदर सो जैसे कि लाइक एनी न्यू कपल इन लव दे आर प्र मच ज्वाइंट एट द हिप कोई भी नया कपल जो होता है ना जिसको अभी अभी प्यार हुआ है they are exactly like that. दे आर एग्जैक्टली लाइक दैट एकदम ज्वाइंट एट द हिप और शी एंड हर सिस्टर यूज टू बी ज्वाइंट एट द हिप वेन दे व किड्स जब ये जो वो और उसकी जो बहन जब ये लोग छोटे थे तो देवर ऑलवेज ज्वाइंट एट द हिप्स मतलब वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के ओके नेक्स्ट इज एल्बोग्रीस एल्बोग्रीस का मतलब क्या होता है हार्ड फिजिकल वर्क कुछ बहुत ही ज्यादा मेहनत वाले काम करने को आप बोलते हो ग्रीस इसको सेंटेंस में कैसे बोलते हैं यू विल नेवर गेट दैट रस्ट ऑफ विदाउट सम ग्रीस जैसे कि तुम्हें मम्मी ने बोला है लेट से पंखे पोछने हैं और पंखे महागंदे हो रहे हैं ठीक है एकदम ऐसा नहीं है सिर्फ आपने झाड़ू से कर दिया उसको आपको रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा तो आपने क्या किया ऐसे देखे ना कपड़ा दिखा देते आप उसको तो मम्मी ने बोला ऐसे नहीं होगा वो जो मिट्टी है इट विल बी ऑफ इट विल नॉट बी ऑफ विदाउट सम सम एल्बो 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 ग्रीस ग्रीस यू विल हैव टू पुट ग्रीस का मतलब होता है जब आप साफ कर रहे तो इधर उधर कुछ लग जाता है ना उससे ये ईडीएम आया है सो इफ यू वॉन्ट दिस थिंग टू बी क्लीन यू विल हैव टू ट योर एल्बोग्रीज और आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड एल्बोग्रीज ट्रांसफॉर्म द श इन टू अ ब्राइट एंड क्लीन शॉप घंटों तक काम करने के बाद एकदम हार्ड मतलब मेहनत करने के बाद हार्ड फिजिकल एफर्ट देने के बाद वो जो गंदा सा शेक था वो एक ब्यूटिफुल ब्राइट क्लीन शॉप में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट है फोर्टी विंग्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है वॉट इज फोर्टी विंग्स फोर्टी विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट नेब एक छोटी सी नींद ले लेना जैसे कि आपको बहुत जोर से नींद आ रही है आप पंद्रह मिनट सो लिए सो यू टुक फोर्टी विंग्स फोर्टी विंग्स मतलब ये इसको बोलते हैं विंक इसको बोलते हैं विंक इसको भी बोलते हैं विंक विंक मतलब आँख मारना आपने फोर्टी टाइम्स आँख मार ली मतलब आपने थोड़ी देर की एक नींद ले ली आई मैनेज टू गेट फोर्टी विंग्स आफ्टर लंच लंच के बाद आई मैनेज टू गेट फोर्टी विंग्स फोर्टी विंग्स मतलब आपको थोड़ी छोटी सी एक नींद मिल गई जस्ट टेक फॉर विंग्स एंड वेन यू वेक अपल फाइन सो अरे यार तुम एक काम करो तुम थोड़ी देर सो जाओ जैसे तुम सो के उठोगे ना सब तुम्हें बेटर लगने लगेगा जस्ट गेट फॉर विंग्स ओके डू यू वॉन्ट फॉर विंग्स डू यू वॉन्ट फॉर विंग्स डू यू वॉन्ट टू टेक फॉर विंग्स टेक नेक्स्ट इज बैदल ऑफ लाफ बैरल ऑफ लाफ का मतलब होता है सम वन हु इज वेरी फनी ओ माई गॉड of बॉस ही इतने गंदे जोक्स मारते हैं हंस हंस के पेट दुख जाता है और एल्स यू नो ही इज अल ऑफ लाफ मतलब वो तो एकदम चुटकुलों का खजाना है अरे कल तो मैंने सबको इतना हंसाया आई वॉज शुड सी दिस मूवी जस्ट गॉड अ रियल बैरल ऑफ लाफ जैसे कि आपने हेरा फेरी लगा दी या आपने चुप चुप के लगा दी और आपने क्या बोला अरे यू शुड सी दिस मूवी इट्स अ ऑफ लाफ ओल्ड एज द हिल्स ओल्ड एज द हिल्स का मतलब क्या है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो ठीक है तो दूसरा है इसको हाँ हटा देते हैं सो एग्जाम्पल्स हिज फैमिली इज एज ओल्ड एज द हिल्स एंड इन्फाइनटली मोर रिस्पेक्टेबल सो जैसे शिमला में वो लोग रहते हैं उसकी फैमिली जो है बहुत जानी मानी है वहाँ पे। वो एकदम बहुत ही पुरानी है मतलब बहुत टाइम से वो लोग यहीं रह रहे हैं तो हिस फैमिली इज एज ओल्ड एज द हिल्स ये जो साड़ी है ना आज के बाद ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी दिस इज एज ओल्ड एज द हिल्स मतलब हिल्स जितनी पुरानी है ये नेक्स्ट इज़ डाउन टू अर्थ अगर कोई डाउन टू अर्थ है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है वो दूसरों को जज नहीं करता वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है डाउन टू अर्थ मतलब जो उड़ नहीं रहा जो बिना मतलब के सोशेबाजी नहीं करता ठीक है ही नीड्स टू मैरी अ डाउन टू अर्थ पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज हिज लाइफ फॉर हिम उसको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो बहुत डाउन टू अर्थ है ताकि वो इसकी ज़िंदगी संभाल दे She was friendly and down to earth. वो बंदी कैसी थी वो बहुत फ्रेंडली थी और बहुत डाउन टू अर्थ थी मतलब उसके अंदर किसी तरीके का दिखावा नहीं था अब है गो getter। गो getter का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एक्टिव एनर्जेटिक एंड हैज द इनिशियटिव टू परस्यू दिंग्स दे वॉन्ट बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई भी काम करवा सकता है वो बहुत एक्टिव है उसको काम निकलवाना आता है और वो जो है लोगों को परस्यू करना जानता है उसको बोलते हैं गो गेटर जैसे यार ये काम तो सिर्फ और सिर्फ जो है लेट से मीनाक्षी कर सकती है शी इज अ गो गेटर शी इज अ गो गेटर मतलब वो ये काम करवा के ही दम लेगी एग्जाम्पल्स देखते हैं ही वॉज सच अ गो गेटर मतलब उसने क्या काम निकलवाया शी हेज ए रेपुटेशन एज अ रियल गो गेटर उसकी रेपुटेशन कैसी है एकदम वो एक रियल गो गेटर है मतलब वो कोई भी काम बहुत आसानी से करवा लेती है निकलवा लेती है बहुत एक्टिव है बहुत एनर्जेटिक है ये एक बहुत अच्छा वर्ड है नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग ब्रेक अ लेग का मतलब होता है ऑल द बेस्ट डू इट है मतलब यू नो यू आर गोइंग टू गेट इट गुड लक एग्जाम्पल्स डेनीज फैमिली टोल्ड हेम टू ब्रेक अलेग राइट बिफोर नेग बस स्टेज पर वो चढ़ने वाला था उसके पहले क्या बोला गो ब्रेक अलेग नेलेग मुझे पता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे गो एंड ब्रेक अलेग अंडरस्टैंड सो ऑल द बेस्ट इज बोरिंग नाउ से ब्रेक अलेग इसका मतलब ये नहीं है कि सच्ची में जाके कि किसी के पैर तोड़ दिए ठीक है इडियम है ईडीएम की तरह ही समझना है इसको नेक्स्ट है मतलब क्या होता है डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी कटिंग कॉर्नर्स आपको किसी ने बोला है कि ना एक काम करना ये मतलब खाना बनाने को बोल दिया तो उसने क्या किया ऐसे थोड़ा बहुत बना दिया दाल को बघारा नहीं ये नहीं किया वो नहीं किया सो वॉट वट वट वॉज ही डूइंग कटिंग कॉर्नर्स कोई प्रोजेक्ट पे आपको काम दिया आपने क्या किया एक दो ऐसे पॉइंट्स निकाले और उसको कैसे तो भी बिना फॉर्मेटिंग के दिया और छोड़ दिया तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया यू कट कॉर्नर्स मतलब आपने उस काम को बस चल जाए बोल के निकाल दिया आई डोंट लाइक टू कट कॉर्नर्स वेन आई हैव कंपनी फॉर डिनर मतलब अब यहाँ पे जो है आपको पैसे बचाने के लिए या समय बचाने के लिए आपको आपने क्या बोला अगर मेरे पास साथ में कोई है जिसको मैं डिनर पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये टाइम और मनी सेव नहीं करना होता मुझे लगता है अच्छे से करो जो करो डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स वेन यू आर डेकोरेटिंग अगर आप अपना घर सजा रहे हो और आप बोलोगे नहीं नहीं ये वाला सीमेंट नहीं लगाते नहीं नहीं ये फैन नहीं लगाते नहीं नहीं ये नहीं लगाते घर एक ही बार सजा रहे हो मतलब लॉन्ग टर्म चीज़ है ना ये तो डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स वेन यू आर डेकोरेटिंग मतलब ज़्यादा टाइम और पैसा मत बचाओ करो तो अच्छे से करो ट इज कटिंग कॉर्नर्स अब ये सारे जो ईडियम्स थे ये इतने ज्यादा कॉमन है कि आप उसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हो दोली थिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाई क्रिएटिंग अ लॉर्ड ऑफ सेंटेंसेस एंड यू कैन इवन राइट दो सेंटेंसेज इन द कॉमेंट सेक्शन जो भी आपको अच्छे लगे हो एनी फाइव कोई भी पांच से आप सेंटेंसेस बना के इसमें लिख सकते हो ठीक है सो आई एम गोइंग टू वेट मैं वेट कर रही हूँ और आई uh, होप कि आप सब इस पर काफी मेहनत करोगे क्योंकि आपने प्रोमिस किया है मुझे दैट यूल गिव यू हंड्रेड परसेंट नो फोर हंड्रेड परसेंट रिमेंबर सो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी इन सारे वीडियोज़ के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट मैगनेट ब्रीन्स डॉट कॉम जहाँ पे आपको होम पेज पर स्पोकन इंग्लिश का टैब दिखेगा क्लिक ऑन डैट देन क्लिक ऑन वॉच नाउ क्लिक ऑन एनी टॉपिक दैट यू विश टू स्टडी एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट थैंक यू सो मच वंस अगेन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाई